हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेज पर। महिला एवं बाल अपराध संबंधी 70 क्वेश्चन ऑलरेडी अलग अलग वीडियो में दोस्तों अपने अपलोड कर चुके हैं। आज अपने क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन इसी पार्ट में देखने को आपको मिल जाएंगे। कई दिनों से समय नहीं था दोस्तों, वीडियो डाल नहीं पाया, इसलिए आज मैंने सोचा सारी इकट्ठी ही क्वेश्चनों की वीडियो एक में ही डाल देता हूँ। दो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों हम आपको कंपटीशन संबंधी जो भी एग्ज़ाम के हैं वो क्वेश्चन पीडीएफ के द्वारा डालते रहते हैं और अलग अलग इफ़ेक्ट्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और दूसरा अपने को बता दें कि महिला एवं बाल अपराध संबंधी जो क्वेश्चन अपने 200 पार्ट में 200 क्वेश्चन शामिल करेंगे वो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों में से लिए गए हैं दोस्तों। और राजस्थान पुलिस की जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं उनमें 10 क्वेश्चन आने हैं, वो आपको 10 क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं 200 क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएंगे। कोई अन्य वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। भारत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम किस सन में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2017 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2008 में और ऑप्शन डी 2006 में। सो 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो कि लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं दोस्तों। डाक विभाग द्वारा 10 वर्ष तक की बेटी के नाम पर खाता खुलवाने हेतु कौन सा कार्यक्रम या योजना चलाई गई है? ऑप्शन ए पोषण अभियान 2018, ऑप्शन बी सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन सी एक व दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से सोच लीजिए क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सुकन्या समृद्धि योजना है जो कि 10 वर्ष तक की बेटी के नाम खाता खोलने की योजना चलाई गई है। ऑप्शन सी 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एनपीसी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों आपको। ऑप्शन ए नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड, ऑप्शन बी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन सी न्यू पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन और ऑप्शन डी नेशनल प्राइवेट पॉलिसी फॉर चाइल्ड। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 73 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन जो कि एनपीसी की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं दोस्तों। बालिका नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा और ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी राजस्थान। 10 सेकंड आपके पास, सोच लीजिए आंसर क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान है जो कि बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना कौन सा है? ऑप्शन ए सदर पुलिस थाना धौलपुर, ऑप्शन बी कोतवाली थाना भरतपुर, ऑप्शन सी राजा चौक थाना जयपुर और ऑप्शन डी उपरोक्त के सभी या ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों 10 सेकंड आपके पास, आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सदर पुलिस थाना धौलपुर जो कि है राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना बनाया गया है। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं दोस्तों। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा और ऑप्शन डी चौथा। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होएगा। तो दोस्तों 76 क्वेश्चन नंबर इज ए राइट आंसर ऑप्शन सी, दूसरा जो कि राज्य बन गया है सजा में फांसी की सजा देने वाला। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए धारा 107, ऑप्शन बी धारा 108, ऑप्शन सी धारा 27 और ऑप्शन डी धारा 376। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन ए 107 के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी पुलिस की नियुक्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 17 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष और ऑप्शन डी 12 वर्ष। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होएगा राइट आंसर। तो 78 क्वेश्चन नंबर इज ए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 वर्ष है जो कि बालिकाओं की न्यूनतम आयु रखी गई थी। शारदा एक्ट के बारे में सर दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई थी। बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था। इसके प्रायोजक हर विलास शारदा थे जिसके नाम पर ही इस एक्ट का नाम शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा से एक्स्ट्रा इफेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं दोस्तों। यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी तय की गई है? दोस्तों ऑप्शन ए 1 माह है, ऑप्शन बी 2 माह है, ऑप्शन सी 3 माह है और ऑप्शन डी 6 माह है। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से राइट आंसर सोच कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 79 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 माह के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, इसकी समय सीमा इतनी है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ग को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियां, ऑप्शन बी 18 वर्ष से कम आयु के लड़के, ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम आयु के सभी लड़के व लड़कियां व अन्य और ऑप्शन डी 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियां। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से राइट आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम आयु के सभी लड़के व लड़कियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं दोस्तों। पोक्सो एक्ट के अनुसार पीड़िता की पहचान ऑप्शन ए मीडिया या जनता में सार्वजनिक करनी नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन बी मीडिया या जनता में सार्वजनिक कर देनी चाहिए, ऑप्शन सी पीड़िता रात भर के लिए हवारात में रखना चाहिए और ऑप्शन डी पीड़िता को तुरंत मेडिकल सुविधा नहीं देनी चाहिए। तो 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से इसका राइट आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है ऑप्शन ए
मीडिया व जनता में इसकी जो जांच है वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती दोस्तों, आदेश है कोर्ट के। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, गरिमा पेटी या सी बॉक्स का संबंध किस से है? ऑप्शन ए बालिकाओं और महिलाओं की शिकायत पेटी के लिए, ऑप्शन बी बच्चों के लिए शिकायत पेटी, ऑप्शन सी महिला स्वास्थ्य किट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 82 के लिए 10 सेकंड आपके पास, सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बालिकाओं ए महिलाओं के लिए शिकायत पेटी जो कि गरिमा पेटी या सी बॉक्स का कहलाती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किया जाने का आरोप हो उन्हें क्या कहा जाएगा जो बाल अपराधी हो? तो ऑप्शन ए उपचारित किशोर, ऑप्शन बी सशक्तता की आवश्यकता वाला किशोर, ऑप्शन सी विधि संघर्षित किशोर और ऑप्शन डी बाल अपराधी। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों 83 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन सी विधि संघर्षित किशोर को कहा जाएगा, किशोर को कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए फरवरी 2015 को, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन सी 8 मार्च 2015 को और ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2015 को। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन इज ए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 4 फरवरी 2015 को कन्या समृद्धि योजना आरंभ की गई थी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी वर्ष 2001 में, ऑप्शन डी वर्ष 2003 में। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2002 में यह अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार जो कि 2002 में बनाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं दोस्तों, निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? ये उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन देखे ना दोस्तों अपने। तो ऑप्शन ए 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 96वां संविधान संशोधन। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन इज ए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन है ये। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 1930 में लागू किया गया शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर दिया गया, उसके बाद उस पर कौन सा एक नया अधिनियम बनाया गया था? ऑप्शन ए बाल विवाह न्यूनतम आयु अधिनियम, ऑप्शन बी बाल विवाह निरोध अधिनियम, ऑप्शन सी बाल विवाह दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। 10 सेकंड आपके पास दोस्तों, सोच लीजिए सर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन इज ए राइट आंसर ऑप्शन बी बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था शारदा एक्ट की जगह। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई थी? ऑप्शन ए 28 अप्रैल 2017 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 2013 को, ऑप्शन सी
23 मार्च 2013 को और ऑप्शन डी 22 जनवरी 2016 को। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट। और बालिका नीति जो जारी करने वाला राजस्थान का पहला राज्य बना था, जो पिछले क्वेश्चन में अपने देख ही चुके हैं सर पीछे क्वेश्चनों में। तो दोस्तों 88 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 2013 को। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? ऑप्शन ए पीपल पूर्णिमा को, ऑप्शन बी रामनवमी को, ऑप्शन सी गणगौर को और ऑप्शन डी अक्षय तृतीया को। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होएगा। और वैसे दोस्तों ज़्यादा इसमें बताने की कुछ है ही खास नहीं, क्योंकि अपने ज़्यादातर देखते हैं कि विवाह शादियां कब आयोजित की जाती है। दोस्तों 89 क्वेश्चन नंबर इज ए करेक्ट आंसर। अक्षय तृतीया को बाल विवाह अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसी दिन विवाह शादियां ज़्यादा होती हैं दोस्तों, इसीलिए ये बनाया गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं दोस्तों। किशोर न्याय बोर्ड बालक के संबंध में अतिरिक्त आदेश पारित कर सकता है। ऑप्शन ए विद्यालय में हाजिर होने का, ऑप्शन बी किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में, ऑप्शन सी किसी चिकित्सक केंद्र में हाजिरी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 90 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त के जो हैं वो सभी ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड है ऑप्शन ए 2 वर्ष तक का कारावास व 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना, ऑप्शन बी 1 वर्ष तक का कारावास व 50,000 रुपये तक का जुर्माना, ऑप्शन सी 6 माह तक का कारावास व 25,000 रुपये तक का जुर्माना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से राइट आंसर सोच लीजिए क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष तक का कारावास और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना है जो कि इसमें से प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना किस जिले में बनाया गया? ये क्वेश्चन द्वारा आ गया दोस्तों। क्वेश्चन ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी धौलपुर में, ऑप्शन सी कोटा में और ऑप्शन डी अजमेर में। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन बी धौलपुर। कोई ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं थी, पहले क्वेश्चन ये आ चुका है, गलती से दोबारा प्रिंट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। 10 जुलाई 2017 को राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से राइट आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 93 क्वेश्चन नंबर इज ए राइट आंसर ऑप्शन सी जयपुर में राजस्थान की पहली जो पोक्सो कोर्ट है वो जयपुर में खोली गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 94। यदि ए कोई व्यक्ति 16 वर्ष की से कम आयु की विधवा बी के साथ उसकी सहमति से संभोग करता है तो ऑप्शन ए ने बलात्कार का अपराध नहीं किया, मतलब ए व्यक्ति ने बलात्कार का अपराध नहीं किया, ऑप्शन बी ए ने बी के साथ बलात्कार किया है, ऑप्शन सी ए ने जारक्रम किया है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से स्लाइड सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो कि सही होएगा, ए ने बै के साथ बलात्कार ही माना जाएगा अगर वह सहमति से भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 देखा जाए तो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 23 फरवरी 2010 को, ऑप्शन बी 14 नवंबर 2010 को, ऑप्शन सी 9 नवंबर 2009 को और ऑप्शन डी 21 नवंबर 2010 को। दोस्तों 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन है जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23 फरवरी 2010 को राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया था 23 फरवरी 2010 को। सॉरी क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं दोस्तों। बाल श्रम निषेध संशोधित अधिनियम 2016 के अनुसार बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? दोस्तों ऑप्शन ए एक श्रेणी में, ऑप्शन बी दो श्रेणी में, ऑप्शन सी तीन श्रेणी में और ऑप्शन डी चार श्रेणी में। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से इसका राइट आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होएगा ऑप्शन बी, इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। अब इनको दो कौन कौन सी श्रेणियों में दोस्तों बांटा गया है वो अपने थोड़ा सा इफेक्ट जान लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो और 14 वर्ष तक की आयु किसी बच्चे को अपने रोजगार पर भी नहीं लगा सकते, 14 वर्ष तक उसको पढ़ाई का अधिकार है। ऑप्शन दूसरा देख लेते हैं एक्स्ट्रा इफेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 से आयु पूरी कर ली हो लेकिन 18 पूरी नहीं की हो, ऐसे बालक को किसी भी खतरनाक जोखिम वाले व्यवसाय या प्रतिक्रियाओं में काम नहीं लगाया जा सकता और खतरनाक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इनका कहने का दोनों का मतलब यही है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम तो अपने लगा नहीं सकते काम ही, और 14 वर्ष से ऊपर जो जोखिम भरा कार्य है उसमें अपने बच्चों को करवा नहीं सकते जो 18 वर्ष तक का नहीं पूरा किया हो। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए नवंबर 2005 में, ऑप्शन बी नवंबर 2006 में, ऑप्शन सी नवंबर 2007 में, ऑप्शन डी नवंबर 2008 में। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर होएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम है जो कि प्रभावी हुआ था। ये लागू तो 2006 में कर दिया था लेकिन प्रभावी रूप से पारित कब हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं दोस्तों, परवेजन लैंगिक हमले का अर्थ पॉक्सो एक्ट की किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 4 में, ऑप्शन बी धारा 3 में, ऑप्शन सी धारा 6 में और ऑप्शन डी धारा 8 में। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से इसका राइट आंसर सोच लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 98 क्वेश्चन नंबर इज ए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, धारा 3 में इसका अर्थ समझाया गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों खांसी आ रही है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि गुदा स्तनों को स्पर्श करता है या कराता है इसमें प्रवेजन किए गए बिना अंतःग्रस्त होता है लेकिन लैंगिक हमला कहलाता है, यह पॉक्सो एक्ट अधिनियम किस धारा के अंतर्गत आता है? दोस्तों ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 5
और ऑप्शन डी धारा 11। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से इसका राइट आंसर सोच लीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 99 क्वेश्चन नंबर इज ए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी धारा 7 में दोस्तों, जो कि लैंगिक हमले को इसके अंतर्गत बताया गया है कि लैंगिक हमला किस प्रकार का हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं दोस्तों आज का, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किस धारा में कहा गया है। ऑप्शन ए धारा 372, ऑप्शन बी धारा 373, ऑप्शन सी धारा 366 और ऑप्शन डी धारा 376। और 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी से सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक और एक्स्ट्रा इफेक्ट मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना और एक बेचना, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें धारा 272 या 273 ही लागू होती है, पर ये अपने को ध्यान में ज़रूर रखना है कि खरीदना के लिए धारा अलग है और बेचने के लिए अलग है, और विदेश से आयात करने के लिए धारा अलग है। उत्तर तो मैंने चलो आपको इशारों में बता ही दिया, फिर भी मैं आपको इनका उत्तर बता देता हूँ। तो करेक्ट आंसर इसका होएगा दोस्तों धारा बी ऑप्शन, धारा 373 में खरीदना एक अपराध है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन अपने पूरे हो चुके हैं अलग अलग वीडियो में, 7 पार्ट में, और कुछ में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन डाल के पूरे कर दिए हैं। अब अपना अगला पार्ट बी रहेगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा दोस्तों मैं एक ही वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो भाई राजस्थान पुलिस की या SI की तैयारी कर रहे हैं और महिला बाल अपराध संबंधी अगर उसमें प्रश्न आ रहे हैं, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि 200 क्वेश्चन जो अपने पूरे कर रहे हैं वो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों में एग्ज़ाम को दृष्टि की देखते हुए पैटर्न से बनाए गए हैं। वो आप समझ ही गए होंगे देख के आपने, तो वो आप अगर ये 200 क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हो तो आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। और जो साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आप लोगों का सहयोग ही हमारा विश्वास है, और इसमें कोई ज़्यादा आनी जानी है नहीं। तो आज थोड़ा गला ख़राब है इसलिए ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और आप अगर इसमें 24-25 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपका स्कोर बहुत ही बेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।